फ्रेंड्स गुड इवनिंग। आज की क्लास में लास्ट पढ़ाए हुए लेक्चर की जो मैंने थ्योरी पढ़ाई थी कि करंट कैरिंग लूप जो कि अपने आप में एक मैग्नेटिक डायपोल होता है, अगर उस करंट कैरिंग लूप को किसी भी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, यानी मैग्नेटिक डायपोल को बाहरी फील्ड में रख दें तो वो टॉर्क फील करता है, उस पर ही तीन क्वेश्चंस कराऊंगा और बस आज इतना ही कराऊंगा। और अगले लेक्चर में लास्ट लेक्चर होगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और चैप्टर को बोल दूंगा द एंड, बस खत्म, फिर अगले चैप्टर की शुरुआत। आप भी खुश हम भी खुश, स्टार्ट करते हैं। एक स्क्वायर कॉइल है जिसके साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर कॉइल के साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर, उसमें 20 टर्न्स है, 20 टर्न है और करंट उसमें फ्लो कर रहा है 12 एम्पियर। किसमें? उस स्क्वायर कॉइल में। कॉइल को वर्टिकली लटकाया गया है बेटा, और इस तरह लटकाया गया है कॉइल को कि कॉइल का जो नॉर्मल टू द प्लेन है वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी। कॉइल का नहीं दे रखा है एंगल, कॉइल के नॉर्मल का दे रखा है। किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो पूछा है बताइए टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करेगा वो बताइए। तो बहुत सिंपल, मैंने आपको बताया था कि जब कॉइल का एंगल दे फील्ड के साथ तो टॉर्क का फॉर्मूला mv cos थीटा, लेकिन जब कॉइल के नॉर्मल का एंगल दे दे फील्ड के साथ, कॉइल का नहीं कॉइल के नॉर्मल का यानी कॉइल के एरिया वेक्टर का उसी फील्ड के साथ, तब यूज करेंगे साइन वाला, टॉर्क इज इक्वल टू mv sin थीटा। कॉस वाला कब यूज करते? जब बोलता कॉइल का नॉर्मल नहीं, क्वाइल का प्लेन बना रहा है फील्ड के साथ। जब क्वाइल बनाता डायरेक्ट फील्ड के साथ तो कॉस वाला लेके चलते, लेकिन यहां पे क्वाइल का नॉर्मल बना रहा है फील्ड के साथ। तो मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर को याद करो, जब किसी भी क्वाइल का नॉर्मल बनाए फील्ड के साथ तो साइन वाला। अब रही बात एम क्या है, वही मैग्नेटिक मोमेंट, क्या फॉर्मूला होता है? I into A। याद करो हर मैग्नेटिक डायपोल का मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इंटू एरिया। बढ़िया, टर्न्स भी है तो I into A के साथ N भी लेना पड़ेगा, NIA। बस N 20, करंट 12, एरिया कितना है साइड 10 सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर को मैंने मीटर में लिया है 0.1, ये A है साइड की लंबाई, 0.1 का स्क्वायर 0.01, A क्या है वही साइड की लेंथ। बस रखो M आ जाएगा। थीटा क्या, टॉर्क कितना, अच्छा इसमें टॉर्क दे रखा है कितना 0.96, टॉर्क इज इक्वल टू mv sin थीटा। टॉर्क पता है, M पता है, थीटा पता है, फील्ड निकल के आ जाएगी 0.8 टेस्ला। खत्म। सबसे बड़ी बात, टॉर्क का फॉर्मूला हमने mv sin थीटा ही क्यों यूज किया, क्योंकि यहां पे एंगल फील्ड के साथ क्वाइल के प्लेन का नहीं, क्वाइल के प्लेन के नॉर्मल का दिया था, तो नॉर्मल जब दे तो साइन वाला लेंगे। बाकी पता ही है, टॉर्क पता है, डायपोल मोमेंट होता है NIA वो पता है, थीटा पता है, फील निकल के आ जाएगी। तो इस सवाल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस सवाल में हमने कराया क्या, एक फॉर्मूला जो कि mv sin थीटा पे बेस था। बस अगला क्वेश्चन, एक सोलेनोइड है, पढ़ाया था मैंने, जिसके पास टर्न्स टू कितना है 2000, क्रॉस सेक्शन एरिया इतना दे रखा है, करंट उसमें इतना है, उसको इस तरह लटकाया गया है कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में टर्न करेगा, ऐसे ऐसे टर्न करेगा। तो पूछा है फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट यानी एम। तो बड़ा सिंपल है यार, अभी तो बताया NIA, आई इंटू ए होता है, लेकिन जब नंबर ऑफ टर्न्स दे दे तो NIA, बस निकाल दो इतना आ जाएगा। यूनिट क्या होती है? एम्पियर मीटर स्क्वायर, आई इंटू ए की यूनिट। फिर पूछा है, ध्यान से देखना कि टॉर्क बताओ, अगर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड, कोई एक्सटर्नल जो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड है इतना अप्लाई कर दिया गया, जो कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। बेटा एक बात बताइए, सोलेनोइड के एक्सिस के साथ मतलब क्या बताओ, मतलब क्या हुआ? दैट इज विद नॉर्मल टू प्लेन। बोलोगे ऐसा क्यों सर? अगर आप पढ़ने में होशियार हो तो मैंने पढ़ाया था कि सोलेनोइड का एक्सिस उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। याद कीजिए, किसी भी बॉडी का एक्सिस उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का एंगल सोलेनोइड के एक्सिस के साथ दे रखा है तो समझ जाना वही प्लेन के परपेंडिकुलर के साथ दे रखा है, मतलब यहां भी एंगल
क्वाइल के प्लेन के साथ नहीं, क्वाइल के प्लेन के नॉर्मल के साथ है। कैसे पता चला? आप याद करो दो चार लेक्चर पीछे कि कोसोलेनोइड का एक्सिस उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर एक्सिस के साथ एंगल है तो समझो प्लेन के परपेंडिकुलर के साथ एंगल है, यानी यहां भी फॉर्मूला वही होगा, कौन सा साइन वाला ही इस्तेमाल होगा। एम पता है, फील्ड दे रखा है, साइन 30 डिग्री रखो, साइन 31 बाई 2 सॉल्व करके टॉर्क आ जाएगा। अब बोलोगे सर एक बात बताओ, कहां एंगल दे रखा था, कहां लिखा था कि ये एंगल फील्ड का सोलेनोइड के प्लेन के परपेंडिकुलर के साथ है, कहां लिखा था? अरे भैया एक्सिस के साथ तो लिखा है कि फील्ड 30 डिग्री बना रही है सोलेनोइड के एक्सिस के साथ, और एक्सिस हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब एक्सिस के साथ बोले, समझो प्लेन के परपेंडिकुलर के साथ ही बोल रहा है, यानी एंगल यहां भी प्लेन के परपेंडिकुलर के ही साथ है, यहां भी फॉर्मूला साइन वाला ही इस्तेमाल होगा। जहां जहां फील्ड का एंगल प्लेन के साथ दे तो कॉस वाला इस्तेमाल करेंगे, और जहां प्लेन के परपेंडिकुलर के साथ दे तो साइन वाला इस्तेमाल करेंगे। बात खत्म हो जाती है, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और सोलेनोइड का एक्सिस प्लेन के क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो एक्सिस के साथ एंगल मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर के साथ एंगल। थर्ड क्वेश्चन, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में दे रखा है देखो, और यहां पे एक क्वाइल है, रेक्टेंगुलर क्वाइल जैसा भी बोलो, और पूछा है टॉर्क का कौन सा फॉर्मूला चलेगा यहां। बड़ा सिंपल है बेटा, सबसे पहले ऐसा सवाल जब आ जाए डायग्राम बेस्ड तो आपको मैं ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले एक काम करना, इस क्वाइल के ऊपर परपेंडिकुलर डालना, बड़ा आसान हो जाएगा सवाल, बड़ा आसान हो जाएगा। आप ज्योमेट्री पढ़ते हो तो इतना पता है दो लाइन के बीच एंगल निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन एक लाइन और एक सरफेस के बीच एंगल निकालना टफ होता है। क्यों? क्योंकि सरफेस 2D होता है, टू डायमेंशनल होता है, तो ज्यादा आसान दो लाइन के बीच एंगल निकालना होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम सवाल को लेकर चलेंगे। कभी भी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले जो भी लूप दे रखा है उसके ऊपर परपेंडिकुलर डालो। अब आप यहां ध्यान रखो मैंने क्या बोला है, यहां पे हम यूज करेंगे MB sin थीटा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस लूप के ऊपर परपेंडिकुलर डालो। पहले बताओ लूप कौन से प्लेन में है, ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई, तो लूप कौन सा प्लेन में आ गया बेटा, एक्स वाई प्लेन में। बोलो कैसे एक्स वाई प्लेन में है, डायग्राम में दिख तो रहा है कि लूप एक्स वाई प्लेन में है। कैसे? देखो ये x ये y हो गया, अब इसके ऊपर नॉर्मल डालो। तो जब x y के ऊपर नॉर्मल डालोगे तो परपेंडिकुलर किधर जाएगा, z में जाएगा। देखो अब बताओ प्लेन का परपेंडिकुलर किधर चला गया, z में। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, y में। तो z और y आपस में क्या बनाएंगे, 90 थीटा हो गया 90। जब थीटा 90 पता चल गया तो टॉर्क बराबर इस्तेमाल कर लो MB sin 90, m into b, m तो वैसे निकलेगा NIA। वैल्यू नहीं दिया है मैंने, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो कभी भी ऐसा सवाल आए एक्सिस पे फील्ड दिखा दे, एक प्लेन बना दे क्वाइल का और बोले टॉर्क निकालो, तो सबसे पहले नॉर्मल डालना। अब ये एक्स वाई प्लेन में है तो नॉर्मल जेड में जाएगा, नॉर्मल जेड में जाएगा, फील्ड वाई में है तो दोनों आपस में 90 डिग्री आ गए, और टॉर्क इस्तेमाल कर लेना। तो ऐसे में कॉस तो बिल्कुल लेना ही मत, अगर कॉस थीटा का फॉर्मूला लेके चलते तो मुझे फील्ड और पूरे प्लेन के साथ एंगल निकालनी पड़ती। ये थोड़ा टफ काम होता मैथमेटिकली, क्योंकि फील्ड 1D में है, प्लेन 2D में है, तो 1D और 2D के बीच एंगल निकालना टफ होता है। और जब लाइन डाल दोगे तो वो भी 1D एक डायरेक्शन में, ये भी एक डायरेक्शन में, तो दो लाइन के बीच एंगल निकालना आसान होता है, इसलिए नॉर्मल डाल के साइन वाला ही इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब इसी पे इसी डायग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। सेम लूप को एक्स वाई प्लेन से उठाकर हमने एक्स जेड प्लेन में बना दिया। देखो एक्स जेड, एक्स जेड, फिर टॉर्क पूछा है तो फिर वही पुरानी बात, इसके ऊपर पहले नॉर्मल डालो। तो लूप यहां पे किस प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है, इसके ऊपर नॉर्मल डालो तो इसका नॉर्मल किधर जाएगा, वाई में जाएगा। हो गई बात, फील्ड भी वाई में, नॉर्मल टू द प्लेन भी वाई में, तो नॉर्मल टू द प्लेन और फील्ड आपस में 0 डिग्री, तो थीटा 0 हो गया, तो टॉर्क इज इक्वल टू MB साइन 0, टॉर्क यहां पे हो गया 0। तो एक बात बताओ, टॉर्क के दो फॉर्मूले थे आपको समझ में आया था, एक MB cos थीटा हुआ करता था और एक MB साइन थीटा है। cos थीटा वाला कब लेते हैं, जिस सवाल में बोलेगा कि एंगल फील्ड का क्वाइल के प्लेन के साथ है, और जिस सवाल में बोलेगा
फील्ड का एंगल क्वाइल के प्लेन के साथ नहीं, प्लेन के नॉर्मल के साथ है, प्लेन का नॉर्मल दे देगा एंगल के लिए, तो साइन वाला। चाहे इस सवाल में देखो, चाहे इस सवाल में देखो, हर सवाल में, ज्यादातर सवाल में प्लेन के नॉर्मल के साथ ही देता है। अगर वही एंगल प्लेन के साथ देता तो फिर मैं कॉस थीटा लेकर चलता, आंसर वही आता। फिर क्या मैंने कहा, अगर डायग्राम बेस्ड सवाल आए तो सबसे पहला काम उस प्लेन के, उस क्वाइल के प्लेन पे नॉर्मल डाल देना, फिर वो नॉर्मल का देखना फील्ड के साथ क्या एंगल है। क्यों? क्योंकि मुझे यही फॉर्मूला लेके चलना है, तो जब मैं ये फॉर्मूला लेके चलूंगा तो मुझे प्लेन के नॉर्मल के साथ ही एंगल देखना है। तो ये एक्स वाई प्लेन में नॉर्मल डालोगे, जेड में, प्लेन का नॉर्मल जेड में, फील्ड वाई में, थीटा हो गया 90, साइन 90 करके निकाल देंगे। यहां प्लेन एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड, एक्स जेड, नॉर्मल डाला वाई में, फील्ड भी वाई में, दो नॉर्मल और फील्ड 0 डिग्री, टॉर्क आ जाएगा 0। तो सबसे आसान फॉर्मूला, अगर डायग्राम वाला आ जाए तो कॉस वाला मत लेना। कॉस में क्या पंगा होता, कॉस में एंगल किसके साथ लेते हैं, फील्ड और पूरे प्लेन के साथ। तो ये प्लेन तो 2 डायमेंशनल होगा, फील्ड 1 डायमेंशनल है, बहुत दिक्कत होगी एंगल निकालने में। एक लाइन और एक सरफेस के बीच एंगल निकालना बहुत परेशान करता है। तो सबसे आसान, नॉर्मल डाल दो तो वो भी एक लाइन बन जाएगी और ये फील्ड भी एक लाइन में है, तो दोनों के बीच एंगल डिसाइड करना आसान हो जाएगा और साइन के थ्रू हम टॉर्क निकाल देंगे। तो ये 3 सवाल मैंने करा दिया। अगर एंगल मान लो बोलता कि नॉर्मल के साथ नहीं, ये वर्ड हटा देता, बोलता कि वो वर्टिकली अप्लाई किया गया है, इस तरह की प्लेन ऑफ क्वाइल इतना बना रहा है, नॉर्मल नहीं बोलता, तो टॉर्क निकालते एम बी कॉस थीटा से। तो अगर बोले प्लेन का नॉर्मल बना रहा है तो एम बी साइन थीटा के थ्रू जाएंगे टॉर्क, और बोलेगा ना 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 प्लेन ही बना रहा है फील्ड के साथ तो कॉस के थ्रू निकालेंगे टॉर्क। फिर आपको समझ में आ गया, डायग्राम वाला भी सवाल समझ में आ गया। मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू ए होता है, लेकिन जब टर्न्स डाल देगा तो एन इंटू आई इंटू ए करना, एन भी मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो बेटा लास्ट लेक्चर, पूरी थ्योरी आज, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैंने करा दिए। मैं अगला टॉपिक आज स्टार्ट कर सकता था लेकिन नहीं करूंगा, क्योंकि वो काफी बड़ा है, बीच में आधा अधूरा रह जाएगा। तो अगली क्लास में मैं वो टॉपिक कराकर इस चैप्टर को द एंड कर दूंगा और फिर अगला चैप्टर शुरू कर दूंगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। इस वीडियो को देखना, इसको बार बार देखना, समझना, नहीं आए तो जो लाइव क्लासेस होती हैं उसमें तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा ही करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।